केंद्र सरकार द्वारा देश की सरकारी कंपनियों और संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ, प्रदेश के युवा बेरोजगारों का सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सरदार सेना सामाजिक संगठन द्वारा आज तहसील सदर पर धरना प्रदर्शन कर तहसील का घेराव किया गया। सरदार सेना का कहना है कि प्रदेश व राज्य सरकार जिस तरह से कंपनियों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है, उससे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान बेहाल है। इन्हीं मांगों को लेकर आज सरदार सेना ने तहसील सदर का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम पत्रक सौंपा। सबसे पहले आप पत्रकार साथी को धन्यवाद। आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने तहसीलों का घेराव किया है। तीनों मांग में पहला मांग है युवाओं का रोजगार जारी करो, चूंकि मोदी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार ले लिया, खत्म कर दिया। दूसरा मांग ये है कि कृषि का निजीकरण बंद करो, बिल वापस लो। तीसरा मांग है देश के सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद करो। अभी तो ये टेलर है, आगे पूरे देश में हम लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं, रेलवे जाम होगा। पूरे प्रदेश में तहसीलों घेरा हुआ, बनारस में सदर तहसील घेरा हुआ, हजारों साथी आए और हमने घेराव करके मांग रखा है। आगे की रणनीति विधायकों को घेराव करेंगे, सांसदों घेराव करेंगे। एशियन न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।